नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मिजाज टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 6 हल कर रहे हैं। ड्राइव द सॉलिड फिगर ऑफ कोन। आपको एक शंकु बनाना है हैविंग ए डायामीटर जिसका व्यास दे रखा है 60 mm एंड हाइट ऑफ 80 mm, ऊंचाई दे रखा है 80 mm। जनवरी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। शंकु कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखे, ड्राइव ए रेगुलर कोन, इसमें भी शंकु बनवाया है ऑफ बेस, आधार दे रखा है डायमीटर एंड व्यास 5 cm एंड हाइट 12 cm। ये कब पूछा है? फरवरी 2018 में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम शंकु बनाएंगे यानी कौन। आपको एक शंकु बनाना है कौन, व्यास दे रखा है डाया यानी 60 mm, ऊंचाई यानी हाइट दे रखा है 80 mm। सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा खींची जाएगी इस तरीके, जहां आपको एक सेट स्क्वायर को स्थिर रखना है इस तरीके। वो कौन सा सेट स्क्वायर लगाना है? आपको ये सेट स्क्वायर लगाना है, प्रोटेक्टर यानी चांदे वाला सेट स्क्वायर। इसके बाद जहां से हमको शंकु को बनाना स्टार्ट करना है, उसके लिए एक स्थिर रेखा अलग से खींचते हैं, हल्की लाइन इस तरीके, ठीक है। इस रेखा पर एक जगह हम बिंदु लगा देंगे इस तरीके से। बिंदु लगाने के बाद अब आपको ये सेट स्क्वायर चलाना है। इस पॉइंट से जहां आपका 28 नंबर लिख रहा है, इससे जो भी रेखा खींचती है वो 30 एंगल पर खुजती है यानी 30 डिग्री पर। हमेशा ध्यान रखे, सेट स्क्वायर का ये कोण 30 डिग्री का होता है और हमको भी 30 डिग्री पर चलना होता है, तो इसलिए हम इधर चले। अब इस सेट स्क्वायर को इस तरीके से लगाना। इस तरीके से कर तीस डिग्री। ये 30 डिग्री का एंगल आप चांदे से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इन रेखाओं की लंबाई कितनी ली जाए, तो इन रेखाओं की लंबाई हम उतनी लेंगे जितनी हमको डाया दिया है। तो डाया कितना दिया है? डाया दे रखा है 60 mm। तो इस रेखा को 60 mm लेना है और इस रेखा को 60 mm लेना है। इधर लेंगे 60 mm, इस रेखा को भी 60 mm लेना है। इस तरीके इतना करने के बाद फिर से सेट स्क्वायर लगाने। ये सेट स्क्वायर आपको फिर से स्थिर करना है। और फिर आपको ये सेट स्क्वायर चलाना है आगे। इस बिंदु से रेखा खींचना है तो इसको इस तरीके से आगे बढ़ाना है। अब इसको इधर की तरफ इस तरीके से लगाना। इस तरीके से बनाना। चारों रेखाओं को हम आधा आधा कर देंगे यानी 30-30 mm पर पॉइंट लगा देंगे। 30 mm, फिर इस रेखा पर 30 mm पर पॉइंट लगाना है। फिर इधर 30 mm पर पॉइंट लगाना है। और फिर इस रेखा को भी 30 mm पर पॉइंट लगाना है।
इस तरीके से लगे हुए पॉइंटों को इस तरीके से मिलाएंगी। इस पॉइंट को इधर मिलाना है, फिर इस पॉइंट को इधर मिलाना है, इस पॉइंट को इधर चलना है और इस पॉइंट को इधर इस तरीके से। इस तरीके से करना। इतना करने के बाद बिंदुओं का नाम डाल देंगे। इधर हमने ए लिखा है, इधर हमने बी लिखा है, इधर हमने सी लिखा है और इधर हमने डी लिखा है। अब आपको इनका सेंटर करना है, इस तरीके बिंदु से बिंदु को इस तरीके से मिलाना, सेंटर लाइन खींचना। सेंटर लाइन में एक बड़ा डैश बनता है, फिर गैप देके फिर छोटा डैश बनता है, फिर बड़ा डैश बनता है और फिर गैप देके छोटा डैश, इस तरीके से बनती है। इस तरीके इसी तरीके से इधर करना है। एक बड़ा डैश फिर गैप देके छोटा डैश, बड़ा डैश फिर गैप देके छोटा डैश, इस तरीके से सेंटर लाइन बनती है। इतना करने के बाद इस बिंदु का नाम हमने P लिखा है, इधर क्यों लिखा है, और इधर हमने S लिखा, S नाम लिखने। अब आपको कंपास में ये दूरी भरनी है A से S। इस रेखा को डॉट डॉट में बनाना, इस तरीके से इस तरीके। इसके बाद सी बिंदु पर रखकर आपको ये दूरी भरनी है। ये दूरी लेने के बाद आपको इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से करना। अब आपको ये दूरी लेनी है कंपास में, इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से, और आदि को आपको डॉट डॉट में देने, छुपी हुई रेखा को डॉट डॉट में बनाते हैं, इस तरीके से बना। इसी तरीके से आपको ये दूरी लेनी है। अब आपको कंपास में ये दूरी लेनी है और इस तरीके से करना है और अंदर की को डॉट डॉट बनाना है, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब आपको ऊंचाई लेनी है 80 mm, ऊंचाई कितना लेना है 80 mm। तो इस बिंदु से ऊपर की तरफ चलेंगे 80 mm, तो इसके लिए सेट स्क्वायर लगाने, फिर से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 80 mm लेना है, इस तरीके, अब इनको बिंदुओं को अपन मिला देंगे। सबसे पहले ये रेखा मिलाने स्पर्श करते हुए परिधि से,
इसके बाद आपको ये इस तरीके से करना है। इस बिंदु को फिर इस बिंदु से मिलाना है। अंदर को आपको हिडन मिलाना है, छुपी हुई भाग को तो दिखता नहीं है। इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद इसकी ऊंचाई दर्शा देंगे। अस्सी एम है। इसके बाद ये दूरी दर्शा देंगे। ये कितना है? 60 एम। इस बिंदु का कोई भी नाम लिख दो, इस बिंदु का नाम हमने वो लिखा है, ठीक है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे हल नहीं कर पाएंगे। खुद को मेहनत करना है, उतनी अच्छी तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।